إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار हर कस्म की तारीफ़ बुजुर्गी बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है जो इस सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक और हमारी हर कस्म की इबादतों का तन्हा मुस्तहिक है। अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो सारे ही अंबिया इकराम पर, खुसूसियत के साथ हमारे और आपके आखिरी नबी इमाम मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नियमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला की अता करदा नियमतों में सबसे अजीम नियमत हिदायत है। हिदायत अल्लाह की ये वो नियमत है, दुनिया जहाँ की कोई नियमत इस नियमत का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हिदायत है तो सेहत भी नियमत है, दौलत भी नियमत है। हिदायत की बिना पर आदमी सेहत और दौलत से बहुत सारी निकियां कमा सकता है। अगर हिदायत नहीं तो न सेहत नियमत है न दौलत नियमत है। इसलिए कि आदमी सेहत को पा करके, दौलत को पा करके रब का बागी बन जाएगा। हिदायत है तो ज़िंदगी नियामत है, ज़िंदगी का एक एक लम्हा नियामत है। अगर हिदायत है तो औलाद नियामत है। एक मोमिन बंदा, एक इंसान अपनी औलाद को नेक कामों में लगाएगा, उन्हें तोशाए आखिरत बनाएगा। अगर हिदायत नहीं है तो यही औलाद इंसान के लिए आखिरत के अज़ाब का बाइस बनेगी। हिदायत की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक मुसलमान दिन में कम अज़ कम 17 मरतबा अल्लाह से हिदायत का सवाल करता है। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, ऐ परवरदिगार तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर, उस रास्ते पर चला जिस पर तूने अपना इनाम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जिन दुआओं का एहतमाम और इल्तिज़ाम किया करते थे उनमें से एक दुआ ये भी है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस दुआ का एहतमाम करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वलअफाफ वलगिना, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ, परहेजगारी का सवाल करता हूँ, पाक दामनी का सवाल करता हूँ, तवंगरी का मैं सवाल करता हूँ। हिदायत ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, या इबादी कुल्लुकुम ज़ालिमून, ऐ मेरे बंदों तुम सब के सब गुमराह हो, इल्ला मन हदैतु, सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ। लिहाजा तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। हिदायत देना न अम्बिया के इख्तियार में है न मुखर्रब तरीन फरिश्तों के इख्तियार में है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ऐ नबी आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और अल्लाह जानता है कि हिदायत को कबूल करने वाला कौन है।
अगर हिदायत अम्बिया के इख्तियार में होता तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर ना होता। अगर हिदायत देना अम्बिया के इख्तियार में होता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप काफिर ना होता। अगर हिदायत देना अम्बिया के इख्तियार में होता तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा ना होती। अगर हिदायत देना अम्बिया के इख्तियार में होता तो कम अज़ कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को हिदायत दे देते। चचा मर्ज़ुल मौत में मुब्तला है। अब बड़े दर्द से चचा से अर्ज़ कर रहे हैं कि ऐ मेरे चचा जान, बस एक दफ़ा आप ज़बान से कलिमे तौहीद का इकरार कर लें, शहादतें का इकरार कर लें, कल क़यामत के दिन मैं इस कलिमे को अल्लाह के दरबार में दलील बना करके तुम्हारी सिफारिश करूँगा। लेकिन चचा ने इस कलिमे को पढ़ने से इनकार कर दिया, कुफर पर मौत वाक़े हो गई। तो हिदायत अल्लाह की ऐसी नियमत है जिसे मालो दौलत से ख़रीदा नहीं जा सकता, जिसे न इंसान ओहदा और मनसब के दबाव से हासिल कर सकता है। अगर इस नियमत को मालो दौलत के ज़रिए से ख़रीदा जा सकता तो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके इस नियमत को हासिल कर लेते। ना इस नियमत को हासिल करने के लिए चालाक होना शर्त है। कितने ऐसे चालाक लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं जो हिदायत से महरूम हैं, कितने ऐसे गबी हैं जिनको माशरे के लोग जाहिल और अनपढ़ कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी है। तो हिदायत ही अल्लाह का फजल है। अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहता है हिदायत देता है। इसी बिना पर अल्लाह ने फरमाया यमुन्नूना अलैका अन असलमु, ये लोग आप पर अपने मुसलमान होने का एहसान जतलाते हैं। कुल्ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, ए नबी आप कह दीजिए अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न जताओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि अल्लाह का तुम पर एहसान है। अन हदाकुम लिलीमान, के उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। तो हिदायत अल्लाह की एक ऐसी नियामत है, एक मुसलमान इस नियामत पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और हिदायत में सबसे आला दर्जे की हिदायत यह है कि अल्लाह बंदे को तौहीद की दौलत से मालामाल करे, शिर्क से बचा ले। जैसे अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, यकीन जो लोग ईमान लाए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की, शिर्क की आमिज़श नहीं की, उलाई का लहुमुल अमन, ऐसे ही लोगों को अमन हासिल होगा और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में इस बात की पेशनगोई फरमाई कि मेरी उम्मत क़यामत के करीब सिरात मुस्तकीम से हट करके मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट करके, मुख्तलिफ टोलियों में बट करके गुमराह हो जाएगी। इस उम्मत की गुमराही के असबाब क्या हैं, उम्मत क्यों गुमराह हो जाएगी? किताब और सुन्नत की रोशनी में उम्मत की गुमराही के बहुत सारे असबाब हैं। आज के खुतबे जुमा में कुछ असबाब का मैं जिक्र करूँगा, मज़ीद कुछ असबाब इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे जुमा में बयान किए जाएंगे। उम्मत की गुमराही के असबाब में सबसे पहला और बुनियादी सबब है जिहालत। जिहालत ही हर शर की बुनियाद है, इल्म ही हर खैर की बुनियाद है। जिहालत का मतलब ये नहीं है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। जिहालत का ये मतलब नहीं है कि उसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, बल्कि जिहालत का मतलब ये है कि आदमी के पास दुनियावी उलूम की डिग्रियां मौजूद हों लेकिन उसे अल्लाह की मारिफत ना हो, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत ना हो, उसे दीन इस्लाम की मारिफत ना हो, वो शरीयत की बुनियादी बातों को ना जानता हो, जिसे अरकान इस्लाम की मारिफत ना हो, अरकान ईमान की मारिफत ना हो। आज मुसलमानों में एक बड़ा तबका ऐसा है जो दुनियावी मामलात में, दुनियावी उलूम में इस कदर मशगूल हैं, इस कदर मगन हैं कि उन्हीं दीनी इल्म की कुछ फिक्र नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों की मजम्मत बयान करते हुए फरमाया يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ, ये लोग दुनिया के जाहिर को जानते हैं लेकिन आखिरत से गाफिल हैं। जिहालत का इलाज सिर्फ इल्म हासिल करने में नहीं है, जिहालत का इलाज
इल्म नाफे हासिल करने में है, नफा बख्श इल्म हासिल करने में है, जिसकी बुनियाद किताब और सुन्नत और फहम सलफ है। इस उम्मत की गुमराही के असबाब में से दूसरा सबब है अल्लाह की किताब को छोड़ देना, कुरान मजीद से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लेना। यकीनन कुरान मजीद ये किताब हिदायत है, कुरान ये हिदायत का सर चश्मा है, ये हुदल लिन्नास है, ये हुदल लिल्मुत्तकीन है। अल्लाह ने फरमाया इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम, यकीनन ये कुरान बिल्कुल दुरुस्त और सीधे रास्ते की रहनुमाई करती है। कुरान मजीद से ताल्लुक कमज़ोर कर लेना, हिदायत रब्बानी से ताल्लुक कमज़ोर कर लेना है, कुरान मजीद से ताल्लुक तोड़ लेना गोया हिदायत इलाही और हिदायत रब्बानी से अपने ताल्लुक को तोड़ लेना है। इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना तारिकुन फीकुम थक्लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से एक अल्लाह की किताब है, फीहिल हुदा व नूर, इसमें हिदायत भी है इसमें नूर भी है, और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद तरक्तु फीकुम मा लन तज़िल्लु बादा, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूँ जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना होगे, शर्त यह है इनी तसम तुम भी, अगर तुम इसको मजबूती से थामे रहो तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो चीज़ क्या है? अल्लाह की किताब है। आज उम्मत इसलिए गुमराह हो गई है इसलिए कि उनका ताल्लुक कुरान मजीद से कमज़ोर हो गया, कुरान मजीद से इनका ताल्लुक ख़त्म हो गया, इस वजह से ये गुमराही के अमीर गढ़े में जा गिरी है। इस उम्मत की गुमराही के असबाब में से एक सबब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से एराज करना और कुरान मजीद को काफ़ी समझना। कुरान मजीद में अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा को बड़ी अहमियत के साथ बयान किया है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कुल अतीउल्लाह व रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, फइन तवल्लौ अगर ये लोग एराज करें तो बता देना इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता है। इस आयत करीमा में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज करता है उसको काफिर कहा गया है। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अमलकुम, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमल को बर्बाद ना करो। अमल की कबूलियत के लिए नबी की इताअत को शर्त के तौर पर इस आयत करीमा में बयान किया गया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन तुतीउहू तहतदू, अगर तुम इस नबी का कहाँ मानोगे इसकी इताअत करोगे तो हिदायत मिलेगी। तो मालूम क्या हुआ? गुमराही का सबब नबी की सुन्नतों की मुखालफत है, क्योंकि हिदायत नबी के पैरवी में है, आपकी सुन्नत की इत्तेबा में है। इन तुतीउहू तहतदू, और एक जगह अल्लाह ने फरमाया वमन युशाक्किक़ रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद रसूल से इख्तिलाफ करेगा, रसूल एक रास्ते पर चले और वो उसके मुखालिफ रास्ते पर चलेगा, नुवल्ली मा तवल्ला, वो जिधर चलेगा हम उसे उधर मोड़ देंगे और क़यामत के दिन हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, जहन्नम क्या ही बुरा ठिकाना है। मिकदम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊतीतुल किताब अय ऊतीतुल कुरान, अल्लाह ने मुझे कुरान दिया है, कुरान के मानिंद और एक चीज़ भी अल्लाह ने मुझे अता की है। फिर आपने फरमाया खबरदार, एक ज़माना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि एक आदमी मुस्नदों पर टेक लगाए हुए बैठेगा, कहेगा बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब कुरान मजीद काफ़ी है, कुरान में जो हलाल है वही हलाल है, जो कुरान में हराम है वही हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने की पेशनगोई फरमाई थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह करते हुए फरमाया खबरदार अला व इन्नमा हर्रम रसूलुहु फहुवा मिस्लु मा हर्रम अल्लाह, खबरदार रसूलुल्लाह अगर किसी चीज़ को हराम करार दे वो ऐसे ही हराम है जैसे अल्लाह का हराम करार दिया हुआ हराम है। अल्लाह के हराम करार देने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हराम करार देने में कोई फ़र्क नहीं है। तो उम्मत की गुमराही के असबाब में से एक सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत भी है।
अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा तू हमें किताब और सुन्नत पर मजबूती के साथ कायम और दायम रख और इल्म नाफे हासिल करने की तू हमें तौफीक दे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक वअतूबु इलैक। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। गुमराही के असबाब में से एक सबब है मौजू रिवायतें, मन घड़त रिवायतें। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से कबल दज्जाल और कद्दाब ज़ाहिर होंगे। यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे पास ऐसी हदीसें लाएंगे, ऐसी हदीसें बयान करेंगे, बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जिनको ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुना होगा। फिर आपने कहा ऐसे लोगों से बचे रहना, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे। तो मालूम क्या हुआ, उम्मत की गुमराही का सबब मौजू रिवायतें हैं, मनगढ़ंत रिवायतें हैं। कुछ लोगों ने इस बिना पर सही सुन्नतों का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार कर दिया कि इसमें सही और मौजू रिवायतें खलत मलत और गड़बड़ हो गई हैं। यकीन अल्लाह ने मुहद्दिसीन की जमात को पैदा किया जिन्होंने हक को बातिल से अलग कर दिया, सही को ज़ईफ़ से अलग कर दिया, सही को मौजू से अलग कर दिया। और यह एक बात जहन में रखें, मौजू रिवायतों का वजूद ये हदीस की हुज्जियत की सबसे बड़ी दलील है। मौजू रिवायतों का वजूद ये हदीस के दलील होने की सबसे बड़ी दलील है। वो कैसे, आदमी मार्केट में नकली नोट कब छापता है, जब असली नोट की वैल्यू हो। लोग मौजू रिवायतें कब घड़ते हैं, जब मार्केट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की वैल्यू हो। तो मौजू रिवायतें घड़ना ये खुद इस बात की दलील है कि हर दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दलील समझा जाता रहा है। अगर नबी की हदीसों को लोग दलील ना मानते, हुज्जत ना मानते, तो फिर मौजू अहादीस को घड़ने की ज़रूरत ही पेश ना आती। तो नकली नोट उसी वक्त छापे जाते हैं जब असली नोट की वैल्यू हो। तो मौजू रिवायतों का वजूद ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हुज्जियत की सबसे बड़ी दलील है। उम्मत की गुमराही के असबाब में से एक सबब है बिदअतों से ना बचना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मा इस सबक को दोहराते थे, फ़इन्ना कुल्ल मुहदथतिन बिदअ, दीन में हर ईजाद करदा नई चीज़ बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। तो उम्मत की गुमराही के असबाब में से बिदअत है, बिदअतों से इज्तनाब ना करना है। इस उम्मत की गुमराही के और बहुत सारे असबाब हैं, इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुम्मा में इस पर गुफ्तगू होगी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأزواج جل وعلا.